तीन साल से रुके मंसूबे ने स्पीड पकड़ ली। रिंग रोड सदरन लूप के तरक्याती काम तेज। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की मंसूबे पर ब्रीफिंग। रिंग रोड SL3 8 किलोमीटर तवील, 17 अरब 78 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। सफर आसान होगा। बगैर हेलमेट 200 नहीं 2000 का जुर्माना होगा। पहले दो बार वार्निंग, तीसरी बार मोटरसाइकिल थाने बंद, पर्चा कटेगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया मुतहरिक। निगरान वज़ीर-ए-आला भी वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग दे चुके। कहा, पकड़े गए तो किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। आप लोगों के लिए जो मुमकिन है, जितने टाइम में हम कर सकते हैं करेंगे। आप लोगों को पूरी सपोर्ट हमारी हासिल है। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक के साथ अच्छी तरह सलूक करना है, पब्लिक को रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आला का लाहौर के 10 थानों को अपग्रेड करने का ऐलान। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 19 साल बाद 313 नई गाड़ियाँ मिल गईं। वज़ीर-ए-आला ऑफिस में नई गाड़ियाँ और यूनिफॉर्म देने की खसूसी तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत पेट्रोलिंग पुलिस को पूरा सपोर्ट करेगी। पहली ता 8वीं जमात सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग के फंड्स रुके। फंड्स की किल्लत के बायस स्कूल सरबराहान परेशानी से दोचार। बगैर अदायगी स्कूलों को फर्स्ट टर्म इम्तिहान के रिपोर्ट कार्ड्स भी जारी करने का हुक्म। स्कूल सरबराहान ने पैक इंतजामिया से फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया। MCL मुलाजमीन मुतालबात के लिए सड़कों पर आ गए। सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देने पर पुलिस पहुंच गई। लाठी चार्ज, 25 से ज्यादा मुजाहरीन गिरफ्तार। पुलिस की प्रिजन वैन और भारी नफरी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद। टाउन हॉल के बाहर ट्रैफिक जैम रही। सेक्रेटेरिएट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डेंगी और पोलियो वर्कर्स का ऑफिस प्राइमरी हेल्थ में एहतजाज। कोरोना वायरस के दौरान खिदमात पर रिस्क अलाउंस ना मिलने पर नारेबाजी। डेंगी मुलाजमीन को 9वां या 7वां स्केल देने, सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का मुतालिबा। बोले, आउटडोर टीमों को मोटरसाइकिल और पेट्रोल दिया जाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी, रेलवे मुलाजमीन भी पीछे ना रहे। DS ऑफिस वर्कशॉप्स का रेलवे हेडक्वार्टर्स तक रैली। मुजाहरीन ने हेडक्वार्टर्स के तमाम दाखिले और खारजी रास्तों को बंद कर दिया। तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। शेख जैद अस्पताल में 2 हफ्तों से जारी हड़ताल खत्म। तमाम सर्विसेज फौरी तौर पर फाल। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मुतालबा जायज करार दे दिए। शेख जैद अस्पताल इंतजामिया के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, यहाँ के डॉक्टर्स की भी दूसरे अस्पतालों की तरह यकसा तनख्वाहें होनी चाहिए। वजीर खजाना शमशाद अख्तर और सेक्रेटरी इमदादुल्ला भुसाल से मुलाकात करेंगे। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक खत्म। हेपेटाइटिस के मरीजों को जान के लाले पड़ गए। प्रोग्राम सरबराह डॉक्टर आबिद गौरी कहते हैं, एक हफ्ते में मरीजों को अद्वियात की फराहमी शुरू हो जाएगी। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की 400 सनदों के मालिकान हाई वाटर टैरिफ से परेशान। वासा हाई वाटर टैरिफ चार्ज कर रहा है। लाहौर की सनदों के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला बंद किया जाए, सनदकारों का मुतालबा। उन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। टाउनशिप ब्लॉक 12 की गलियां टूट फूट का शिकार। ठेकेदार पत्थर डालकर गलियां बनाना भूल गया। ग्रीन टाउन मुस्लिम चौक का हाल भी बेहाल। 3 साल कबल उखाड़ी गई सड़क दोबारा तामीर ना हो सकी। स्मोक का सबब फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। DC लाहौर इंसदादे स्मोक स्कॉट की इंडस्ट्री, फसलें, कूड़ा जलाने, भट्टों की चेकिंग, खिलाफ वर्जी करने वाली 63 फैक्ट्रियां सील। 21 मुकदमात, 18 गिरफ्तारियां। DC ने कहा, 8,10,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब पुलिस के 48 अफसरान के तकर्रो तबादले। कामरान नवाज SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच तैनात। एजाज रशीद SSP VIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच मुकर्रर।
शफीक अहमद, राव कामरान अख्तर को नई जिम्मेदारियां तफवीज। पंजाब हाईवे के 91 हेड कांस्टेबल्स की तरक्की, एएसआई बन गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल दिया जाए या नहीं, हाई कोर्ट ने डीसी का जवाब जमा होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने मियां इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर के मास्टर प्लान के गैर कानूनी मंजूरी के केस में परवेज इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेंट्रल कोर्ट में गैर कानूनी भर्ती केस की सुनवाई हुई। एंटी करप्शन कोर्ट से परवेज इलाही की जमानत गैर मुअस्सर करार। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस, उमर चीमा खदीजा शाह के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी। रुबीना जमीन, अरुणा नईम समेत 8 मुलजिमान के जुडिशियल रिमांड में भी 14 दिन की तौसी। एटीसी का मुलजिमान को 26 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक में जलसे की दरख्वास्त। डीसी लाहौर को कल तक फैसला करने का हुक्म दिया गया। हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत के वकील को कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। सीनियर वकील की जगह जूनियर के पेश होने पर नाराजगी का भी इजहार। लाहौर में जलसों का मौसम आ गया। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर के जलसे की इजाजत मांगी। जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी भी देना होगी। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक खिताब होगा। जियालों ने तैयारियां शुरू कर दी। सदर पीपी लाहौर असलम गिल की जेर सदारत इजलास। सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम शाहिद अब्बास भी मुतहरे। नवाज शरीफ आएगा, दुखों को मिटाएगा, कौम को मसाइल से निजात दिलाएगा, मरियम नवाज के दावे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात। 21 अक्टूबर की तैयारियों पर भी बातचीत। ख्वाजा अहमद हसन, हाफिज मियां नुमान, महल इश्तियाक भी मौजूद थे। साद रफीक, अयाज सादिक, सैफुल मुल्क खोखर भी चौकस। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क से अंधेरों को मिटाया। मियां साहब एक बार फिर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ का ताजिर कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कहा, मियां साहब का लंदन से वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। चीफ सेक्रेटरी के जेरे सदारत इजलास। 33 तरजीही मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। अस्पतालों के अपग्रेडेशन, सड़कों की तामीर मुरम्मत समेत दीगर स्कीमें शामिल। अर्बन डेवलपमेंट के लिए मॉडल तैयार करने का हुक्म। पुलिस के शोहदा के लिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज। पंजाब पुलिस और सरकारी अस्पतालों में एमओयू साइन। आईजी ने पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का भी इफ्तिताह कर दिया। शहरियों के लिए QR कोड जारी। आईजी उस्मान अनवर से CEO नेटसोल सलीम बौरी की मुलाकात। सॉफ्टवेयर्स की अपग्रेडेशन पर बातचीत। स्मोक के खिलाफ मुहिम, रूडा भी पेश। CEO इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। शोबे माहौलियात के अफसरान के इकदाम पर ब्रीफिंग। इमरान अमीन की कॉन्ट्रैक्टर्स को गाड़ियों के इंजनों की देखभाल की हिदायत। तामीराती जगहों पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाने का भी कह दिया। कमिश्नर लाहौर से काजकिस्तान के एजाजी कौंसलर जनरल की मुलाकात। तालीमी इदारों के राब्तों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। राव खालिद ने काजकिस्तान के कौमी दिन 26 अक्टूबर को प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। निगरान हुकूमत में नाबीना अफराद को हक की खातिर सड़कों पर नहीं आना पड़ा। नाबीना अफराद के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया। अल्हमरा में सोशल वेलफेयर की तकरीब से वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का खिताब। बोले, डेली वेजेस मुलाजमीन की 2 माह की तनख्वाह 1-2 दिन में अदा हो जाएगी। आयरलैंड के डॉक्टर अहमद जमाल के इजाज़ में अशाया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस रीजनल सेंटर लाहौर में तमाम। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर नासिर जमाल की शिरकत। प्रोफेसर राशिद लतीफ, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर अहसन महीद राठौर, प्रोफेसर जहरा खानूम शरीक हुए। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी, प्रोफेसर मोहम्मद असगर भट्ट समेत दीगर शख्सियात आए।
जोड़ों के दर्द से कैसे बचा जाए, वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे पर शहर में तकारी, शेखजाद अस्पताल में मर्ज से आगाही के लिए वॉक, शोबे आर्थोपेडिक्स और शोबे रूमाटोलॉजी ने एहतमाम किया, प्रोफेसर मुना अजीज, प्रोफेसर सैयद वासिफ अली शाह और डॉक्टर अफलाक रशीद हम कदम हुए। फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल, हाई कोर्ट बार का इजलास, सदर इश्तियाक अहमद खान, नायब सदर रबिया बाजवा, सेक्रेटरी सबाहत रिजवी की शिरकत। लिबार्ट की जानिब से यूसी 224 में स्पेशल अफराद की फनी तरबियत और मुलाजमत के लिए कैंप, शाइस्ता परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया, इमदादी कैंप सगीर आवान के जेरे निगरानी लगाया गया, कैंप में ब्यूटेशन, डिजिटल मार्केटिंग और सिलाई समेत दीगर हुनर मुफ्त सिखाए जाते हैं। एंटी करप्शन आगाही मुहिम के सिलसिले में वीडियोग्राफी मुकाबला, गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में मुकाबले, लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 10 से ज़ायद कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया, तकरीब में कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर समरा इमरान ने शिरकत की। और दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान, निदाडार कप्तान बरकरार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, डियाना बेग, गुलाम फातिमा स्क्वाड का हिस्सा, इरम जावेद की एक साल बाद वापसी, शवाल जुल्फकार और अरूप शाह टीम से ड्रॉप।